Hi all and welcome to Shame Games. So, आपको वीडियो थंबनेल से सब तो पता ही चल गया होगा और वैसे भी हम आजकल जुजुत्सु काइसन के बारे में ही बात कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली जुजुत्सु काइसन इज इन द हाउस डूड. हमने पूरा पूरा साल वेट किया है जुजुत्सु काइसन सीजन 2 के आने का और तुम्हें लग रहा है कि ऐसा ही है, मजाक थोड़ी चल रहा है बस. अच्छा हाँ, सबसे बड़ी बात तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि अगर तुम इस वाले वीडियो पे आए हो ना तो तुमने मेरी पिछली 2 वीडियोज़ जो हैं वो देख ली होंगी. एक एक घंटे की यहाँ पे एपिसोड चलते हैं और उसको इतने अच्छे से मैंने 2 एपिसोड में एक्सप्लेन किया है 2 वीडियोज़ में. छोटी छोटी सी वीडियो हैं भाई, कुछ नहीं मिलेगा. अब भी इस वीडियो को पोस्ट करो और पहले वो वाली वीडियोज़ देख करके आओ और फिर इस वीडियो पे आओ, मज़ा आएगा. ठीक है, वो 2 वीडियोस में ना इतना सारा एक्सप्लेनेशन करके दिया है मैंने तुम लोगों को. भाई गोजो के बारे में पूरे लाइफ का चिट्ठा खोल के बैठी हूँ मैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब खोल के बैठी हूँ मैं. तो वो वीडियोस पहले देख के आओ, तब इस वीडियो पे आना, मज़े आएंगे. ठीक है, सो या बकवास बहुत ज़्यादा हो गई, अब बकवास करते हैं बंद एंड लेट्स रोल द इंट्रो. हाँ, क्या कहने इस एपिसोड के. जब ऐसे शोनन शोज होते हैं ना, जैसे जुजुत्सु काइसन हो गया और ये इस तरीके का कुछ करते हैं, इतना बड़ा खुला आसमान है और ऐसा लगता है अचानक से छुप करके तुम्हारे ऊपर किसी ने वार कर दिया हो, अचानक से सब हो जाता है भाई. मेड इन अबेस जैसे शोज में तो दर्द और दुख ही मिलता है, वो पता होता है. लेकिन जुजुत्सु काइसन जैसे जो फनी एपिसोड्स होता है ना, जिनमें खुशियों से भरपूर रहता है सब कुछ और अचानक से ऐसा पीसी दिन तुम्हारे पीठ पर खंचर घोप दियो, भाई साहब मौत सी आ जाती है पर मज़ा आता है. ठीक है, गोजो और रीको बीच पर मस्ती करने लगे, वो बिल्कुल प्यारे लग रहे थे. लेकिन भरोसा मत करना, ठीक है, तोजी उनके हर कदम पे पहुंच जाता है और गोजो को कमज़ोर करके रख देता है ताकि उसका अटैक कर सके उस पर. कितना मज़ेदार था भाई, पास के 2 एपिसोड में तोजी का कैरेक्टर परफेक्टली इन्होंने बिल्डअप किया, इतना बिल्डअप किया भाई. पिछले एपिसोड में ना उसकी हरकतों से सच में डर लग रहा था कि भाई विलन है ये इस सीरीज़ का. और वो भाई जब इन्होंने ये दिखाया कि ये किस तरीके से गोजो पर अटैक कर रहा है, कितनी परफेक्टली प्लानिंग कर रहा है भाई. सीजन 1 में गोजो पर कोई उंगली नहीं उठा पाया, सुकुना की भी हिम्मत नहीं थी कि कुछ कर सके गोजो का. ये देख लो तुम, तो जी वो जब ये सारा सब दिखाया ना तो भाई साहब अलग लेवल था. हर वक्त बैड गाइज को नहीं मिलता है शॉनन बैटल्स का इंटेंस स्टेयर जो है ना वो उसके साथ में, लेकिन जब इस तरीके के शॉनन बैटल्स में थोड़ा सा स्टेयर मिलता है ना बैड गाइज को, आई एक्चुअली लाइक इट. अच्छा है भाई, ये ना इन यांग प्रॉपरली यूज होना चाहिए. गोजो हार गया और उसके साथ रीको भी. वो गन शॉट जो था ना वो बिल्कुल बुरा था यार, वो बहुत बुरा था, ये गन शॉट बहुत खतरनाक था. तो जी एकदम बेरहम आदमी है ये, बिल्कुल बैड गाय की तरह. और हमें पता चलता है कि उसने ही बाउंटी रखा हुआ था रीको के हेड पे. फर्स्ट एपिसोड में हमें समझ ही नहीं आ रहा था, हमें लग रहा था कि भाई साहब किसी ने तो बाउंटी रख दिया. किसने बाउंटी रखा? इस बंदे ने रखा था रीको के हेड पे बाउंटी. और गोजो को उसके इन्फिनिटी बैरियर को में ही बंद करके करने का इंतज़ार कर रहा था ये बंदा कि भाई गोजो अपना इन्फिनिटी बैरियर बंद करे और ये ख़त्म कर दे उसे. कौन सोच सकता था कि तोजी मिशन के एंड में अटैक करेगा, बिल्कुल रीको टेंगेन सामा के पास पहुंचने के पहले ही. अब तो भाई सुगुरु का नंबर है. मैंने देखा कि उसके एक्सप्रेशन, जब उसने उसे पता चला कि गोजो को मार दिया गया है तो उसके एक्सप्रेशन किस तरीके से चेंज हो गए थे, और स्पेशली जब उसे पता चला कि रीको को भी मार दिया है तब तो भाई वो सामने ही था. एपिसोड एकदम परफेक्शन में जा रहा था. मुझे हैरानी थी कि कुछ स्टिल लाइफ के शॉट्स क्यों दिए गए हैं, जैसे कि जब रीको क्वाइटली एक्वेरियम में चल रही थी या फिर फूलों के फील्ड में घूम रही थी या फिर इवन वो ओकिनावा में एक और दिन रुकने का डिसीजन क्यों लिया था इन्होंने. दैट वाज नॉट वेरी नेसेसरी ना, मतलब तुम्हें पता है कि भाई अगले के सर पे बाउंटी, अगले के पीछे तो पूरा पूरा टेररिस्ट का जुमला पड़ा हुआ है, तो तुम तो उसको लो और भगो यहाँ से. ठीक है, प्लॉट लेने के लिए करा इन्होंने. पर्सनली मुझे लगता है कि ये सब जो है वो हमें कंफर्टेबल कराने के लिए करा गया है कि भाई हाँ तुम कंफर्टेबल सीट में बैठो और देखो सब कुछ अच्छा हो रहा है, हमें मतलब ऐसा लगे कि सब ठीक चल रहा है.
तोची का तो बिल्कुल भी जिक्र नहीं था, जैसे कि वो हमारे साथ अभी मतलब खेल रहे हैं कि तोजी तो कुछ है नहीं, सब सही चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है, लड़की हमारी गार्डन में घूम रही है, सब बहुत प्यारा चल रहा है, तोजी क्या है, वो तो अपना बैठ करके और मतलब बोट वाले रेस में अपना पैसा लगा रहा है, कुछ नहीं है, सब अच्छा चल रहा है। बट फिर अचानक से जो इन्होंने बम फोड़े, अच्छा था। ये बेसिकली हमसे होप कर रहे थे कि उसके बारे में मतलब हम दोजी के बारे में भूल ही जाए, ना ऐसा सा सीन लग रहा था। मैं समझ गई थी कि जब सुगुरु ने गोजो से कहा था ना कि उसने नोटिस किया है कि वो ठीक से सो नहीं रहा है, और वो जानता है कि उसका प्लान है, रात को भी नहीं सोना चाहता है वो, तो यहाँ मैं समझ गई थी कि कुछ बड़ा होने वाला है जिसके बारे में गोजो को थोड़ी सी नॉलेज है। लेकिन फिर भी मैंने इस पार्ट ऑफ द मांगा को बहुत का मतलब थोड़ा कम पढ़ा था, सो मुझे पता नहीं था, और मैं ऐसे ही रखना चाह रही थी इसको कि थोड़ा सा मैंने स्किप करके मांगा पढ़ा था यहाँ वाले सीन में, मुझे इसीलिए एनिमेशन में अलग से प्यार सा आ गया इस वाले सीन पे। एनिमेशन इतना अच्छा और टेस्टी था कि मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई बिल्कुल भी, एंड मेरा रिएक्शन ये नेचुरल जो भी आप देख रहे हो वो निकल ही रहा है। मैं एक अच्छी कहानी के मतलब भूखी थी काफ़ी टाइम से, स्पेशली जब वो अचानक अपने पीछे से ज़मीन खिसक जाती है ना, जैसे कि ये एपिसोड ने किया था, वैसे वाला सिचुएशन था इस एपिसोड में। अनफॉर्चुनेटली मुझे कुछ और नहीं मतलब कह सकती मैं इस वाले एपिसोड पे, सिर्फ इतना ही बोलूँगी कि मैं कितना एंजॉय कर रही हूँ ना ये शो, और मैं उसमें बिल्कुल ही घुस गई हूँ, पागल हो गई हूँ फॉर अ मोमेंट। वीक बाय वीक हुक्ड अप रख रहा है, मतलब तुम देखोगे तो तुम्हें भी लगेगा कि आई वॉन्ट टू नो कि आगे क्या होने वाला है, आगे सीन क्या चल रहा है। इस शो के लिए मैं बिल्कुल बहुत ज़्यादा प्रेज कर सकती हूँ, चाहे मैं एपिसोड को कई बार देख के मतलब रोने का भी चाहूँ ना, तो भी मैं आई एम गोइंग टू वॉच एपिसोड अगेन। मैं खुद को समझा रही थी कि गोजो ठीक हो जाएगा। हमने तो उसे मतलब इटाडोरी के साथ देखा था ना पहले कि भाई गोजो कितना स्ट्रांग है और कैसा सारा चल रहा है अब। लेकिन बेसिकली देखो ये वाला जो सीन है ना, ये सब मतलब इटाडोरी के और इन सब लोगों के इंट्रोडक्शन से भी पहले का है, तो ये सारे जो एपिसोड्स हैं ना, ये चीज़ें ही गोजो को स्ट्रांग बनाती है। अब यार यूजुअली क्या होता है ना, हम एक स्ट्रांग पर्सनालिटी देखते हैं, हम उसका एंड देखते हैं कि ये तो स्ट्रांग है, अच्छा है, ये वो है, पर हम उसके पीछे की बैक स्टोरी नहीं देखते हैं यूजुअली कि उसने ये स्ट्रांग होने के लिए किया क्या है। सिमिलरली इन लाइफ देखो, तुम किसी सक्सेसफुल इंसान को देखते हो, तुम्हें लगता है भाई देखो कितना सक्सेसफुल है एंड ये एंड वो, पर भैया उसने सक्सेसफुल होने के लिए पीछे से क्या क्या कर रहा है। उसने अपनी ज़िंदगी के 10 साल शायद बहुत बहुत गंदी हालत में भी गुजारे हों, यू वुड नेवर नो। सिमिलरली ये गोजो के केस में था, मुझे ऐसा लगा, आई टोटली लाइक वेंट डीप इन टू इट कि भाई गोजो आज की डेट में तो, सीज़न 1 वाली डेट में तो मतलब गोजो तोप है अलग लेवल का, पर सीज़न 1 मतलब भाई उसका जो प्रिडिसंस है, वो जो पीछे से चलता आ रहा है, गोजो के लिए बहुत कुछ है भाई। देखो गोजो को तोजी जैसी चीज़ मार रहा है, तो क्या ही कहने। तो वो अब हमें ये सब चीज़ें देखनी होंगी इस शो में, एंड देखना कंटिन्यू रखते हैं। लेकिन फिर भी मैं उसका बड़ा मतलब मुझे मज़ा आ रहा है ये वाला शो अभी देखने में, और इस शो को देखने का हमेशा से ही मतलब ऐसा रहता ही है कि यार ये अच्छा है, बहुत अच्छा है। अच्छा हाँ, सो इसी के साथ ही ये वाली वीडियो यहीं पे एंड होती है। थिंग्स आर गोइंग रियली बैड, अब हम देखते हैं कि अगले एपिसोड में ऐसा क्या यूनिक होने वाला है, किस तरीके से अगला एपिसोड हमें हुक करके रखेगा, गोजो की लाइफ में क्या होने वाला है। स्टार वेसल तो ऑलमोस्ट मर गई है, अब आगे क्या होगा, दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड। और हमें एंड में ये भी पता चलेगा कि भाई अगर आपको आपने फर्स्ट सीजन देखा होगा तो आपको पता होगा कि गोजो ने इन द एंड मेगुमी को पाला है, तो हाउ गोजो इज़ गोइंग टू मीट मेगुमी और हाउ गोजो इज़ गोइंग टू डिसाइड कि वो मेगुमी को पालने जा रहा है। गोजो अभी के सीज़न में देखोगे ना तो गोजो इज़ लाइक ठीक है। अच्छा एक और चीज़, गोजो का जो डिफरेंस है सीज़न 1 और सीज़न 2 में, गोजो हमें दोनों जगह पे फ़नी दिखता है और मतलब केयर फ्री दिखता है, ठीक है, पर गोजो सीज़न 1 वाला जो केयर फ्री है ना, दैट्स नॉट एग्जैक्टली केयर फ्री। वो केयर फ्री है टू शो अदर्स, बट
उसने अपने माइंड में सब कुछ कैलकुलेट करके रखा हुआ है, 1 to 100 एवरीथिंग उसका कैलकुलेटेड है. लेकिन सीजन 2 में जो हमें गोजो दिख रहा है ना, ही इज़ लाइक मोर केयर फ्री इवन फ्रॉम इनसाइड. वो अपना कैलकुलेट कर रहा है बट वो 1 to 70 कैलकुलेट कर रहा है, बाकी जो 70 to 100 का है ना वो 30% का वो कैलकुलेट नहीं करके चल रहा है. सीजन 1 का गोजो अलग है, वो ज़िंदगी में मस्ती जितनी कर रहा है ना वो अपना पीछे से कैलकुलेशन लेके चल रहा है. एंड बहुत सारी चीज़ें हैं गोजो का सीज़न 1 में हम देख सकते हैं, वो बहुत चीज़ों से नफरत भी करता है, जैसे कि वो बूढ़ा गीज़र था. एंड सीज़न 2 में शायद हमें इस चीज़ का भी पता चल जाएगा कि वाई एग्जैक्टली ही हेट्स दैट ओल्ड गीज़र अलॉट. सो या अब हम मिलेंगे इन माई नेक्स्ट वीडियो, जो कि आई गेस एपिसोड 4 पर ही होगी. अगर इस वाले मतलब जुजुत्सु काइसन के एपिसोड 4 पर नहीं हुई तो इट इज गोइंग टू बी ऑन सम गुड एनिमे. आई वॉन्ट रिवील एग्जैक्टली वट एनिमे, बट अच्छी ही होगी. सो अगर आप लोग मेरे से जुड़ना चाहते हो तो डू फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब, लाइक एंड कॉमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स. अब हम मिलेंगे इन माई नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय.